मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज तन्मय भटनागर और आज आपके सामने हाजिर हूँ तीसरी वीडियो लेकर, कंप्यूटर जी के वीडियो सीरीज। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं सीपीयू मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कई लोग इसको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट प्रोनंसिएट करते हैं, गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दूसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या है? सीपीयू आपके कंप्यूटर्स में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब को कोऑर्डिनेट करता है। जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर में, आप जो भी इनपुट दे रहे हो, अगर उसके बाद प्रोसेस हो रहा है, अगर आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो वो सब सीपीयू की मदद से हो रहा है, राइट? ये बेसिक। दूसरा, सीपीयू में तीन पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है? बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं और अगर आप आगे और एलेबोरेट करेंगे तो और आपको और पढ़ने को मिलेगा। पहला, ALU मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड, MU मेमोरी यूनिट। थर्ड, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है? अब इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ALU क्या करेगा? जितनी भी कैलकुलेशंस, जितने भी कंप्यूटेशंस अगर हमें कंप्यूटर्स में बनाने हैं या कंप्यूटर्स को नीड है, तो वो सारे काम CPU ALU को देगा, ठीक? कैलकुलेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा काम कौन करेगा? ALU करेगा। सेकंड, MU दैट इज़ मेमोरी यूनिट। आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव करते हैं, कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, उसको कहते हैं मेमोरी। तो कौन सी चीज़ कहाँ सेव हुई, उसको कहाँ से रिट्रीव करना है, कितनी देर में उसको आपके सामने प्रेजेंट करना है, उसको बोलेंगे, वो सारा काम CPU कहाँ किसको देगा? मेमोरी यूनिट को देगा, ठीक? दूसरी चीज़, कंट्रोल यूनिट। आपने कंप्यूटर में कोई भी कमांड दी और वो एक्सेस हुई, जैसे कि आपने कोई चीज़ सेव करी और वो सेव हो गई, तो ये सारी एक्टिविटी जो हुई वो किसकी मदद से हुई? वो हुई कंट्रोल यूनिट की मदद से, क्योंकि आपने एक्टिविटी जो सेलेक्ट की थी वही हुई है। सेव किया तो प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट किया तो सेव नहीं हुआ, तो ये सारे काम किसको दिए? CU को दिए। तो CPU के तीन पार्ट्स क्लियर, ALU, MU, CU। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। सो देखते रहिए, इस सीरीज़ को आगे और बढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूँ आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर जो आपकी सीरीज़ में मदद करेगी। थैंक यू सो मच।